सो हेलो गाइस, मैं हूं जयदीप चंदे और आप देख रहे हैं जेडीट के इन्फो यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं एफ आर पी वाई पास। हमारे पास है वन प्लस का नोट 2। यहां पे कोई भी आपके पास वन प्लस का फ़ोन है तो ये आप ट्रिक यूज़ कर सकते हो। और यहां पे हम करने वाले हैं एफ आर पी वाई पास, तो हमारे पास है वन प्लस नोट 2। और इन केस अगर आपके पास कोई भी वन प्लस का फ़ोन है आप ये कर सकते हो। और यहाँ पर प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है कि यहाँ पर हमने जो इस फ़ोन को हार्ड रीसेट तो कर लिया, इसके हम जो स्क्रीन लॉक पासवर्ड थे वो भूल चुके थे या फिर हमको नहीं पता थे, तो इस कंडीशन में हमने इसे रीसेट किया है। हार्ड रीसेट इसको कर दिया था हमने, जो कि वॉल्यूम डाउन बटन एंड पावर बटन से हार्ड रीसेट जो होता है वो ट्रिक जो नॉर्मली सभी लोगों को पता होती है, तो वो हमने कर ली। ठीक है, तो उसके बाद हमें यहाँ पे वन प्लस की आईडी या फिर गूगल का जो मेल अकाउंट होता है जीमेल अकाउंट, वो यहाँ पर हमें डालने को बोल रहा है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास ना तो इसका मेल अकाउंट है ना ही इसके वन प्लस आईडी है, तो हम इसे कैसे लॉगिन करेंगे, यहाँ पे कैसे हम इसको फ़ोन को सेटअप करेंगे। तो यहाँ पे जनरली जो है फ़ोन में आपको काफ़ी सारे यूट्यूब वीडियोस में दिखाई जाता है कि टॉकबैक वाला फीचर जो है उसके थ्रू जो है इसको एफ आर पी बाईपास करते हैं, लेकिन हमारे जो केस में ये टॉकबैक वाला फीचर जो है वो काम नहीं कर रहा। यहाँ पर जो उल्टा जो एल है वो प्रेस करना पड़ता है, टाइप करना पड़ता है, तो यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर एरर हमें देखने को मिल रहा है, तो ये टाइप नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे से आगे ही हमारे जो प्रोसेस है वो नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पे हम टॉकबैक वाले फीचर को ना यूज़ करके जो हमारे पास दूसरी ट्रिक है उसे हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे इसे क्लोज़ करने के लिए यहाँ पे वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन जो है वहाँ उस पर आपको यहाँ पर प्रेस करके रखना है दोनों एक साथ, एंड देन जो यहाँ पे आपको क्लोज़ का बटन देखने को मिल जाएगा यहाँ पे कर देना है। एंड देन यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको आप मेक श्योर करेंगे आपका जो फ़ोन है वो या इंटरनेट से कनेक्ट हो, वाईफाई से या फिर इंटरनेट से। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करना है, एंड देन आपको एडिट एंड लाइसेंस पे आपको क्लिक करना है, एंड यूज़र लाइसेंस एग्रीमेंट पे, एंड देन यहाँ पे सपोर्ट मेल आईडी पे क्लिक करना है, मेल एड्रेस पे, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। एंड देन यहाँ पे आपको मेल जीमेल का जो ऐप है वहाँ पे आप आ चुके हो यहाँ पे, तो यहाँ पे आप जो है आपको सिंपली आपको यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करना है। आपको काफ़ी सारे ऑप्शन हमें देखने को मिल जाते हैं, लेकिन आपको जो यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करना है, एंड देन यहाँ पे आपको मैसेज ऐप पे क्लिक करना है, एंड देन 112 आपको देखने को मिलता है, न्यू मैसेज पे आपको क्लिक करना है, एंड देन यहाँ पे आपको 112 डायल करना है, एंड देन आपको यहाँ पे मैसेज को सेंड नहीं करना है, आपको थ्री डॉट पे क्लिक करना है, एंड देन आपको हेल्प एंड फीड पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको सर्च हेल्प पे क्लिक करना है, डिलीट डिलीट बस टाइप कर देना आप, डिलीट डिसेबल एंड चेंज, ये आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको जाना है टैप टू गो टू एप्लीकेशन सेटिंग, तो यहाँ पे आप आ चुके हो ऐप मैनेजमेंट पे, यहाँ पे आपको सर्च करना है सेटिंग्स, तो यहाँ पे आपको लिखना है सेटिंग्स, तो यहाँ पे जैसे ही आप सेटिंग्स लिखोगे यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये, इसको इस पर यहाँ पे ओपन पे क्लिक करना है, देख सकते हो ओपन का, और बस यही हमारा मकसद था यहाँ तक आना। तो यहाँ पे अबाउट सिस्टम सेटिंग में जाना है, एंड देन यहाँ पे आपको बैकअप एंड रीसेट पे जाना है, यहाँ पे रीसेट फोन पे क्लिक करना है, एंड देन यहाँ पे आपको अपने रीसेट ऑल सेटिंग पे क्लिक करना है, रीसेट ऑल सेटिंग्स एंड रीसेट ऑल सेटिंग्स। ठीक है, यहाँ पे रिस्टोरिंग हो रहा है, एंड देन आपको इरेजर ऑल डेटा, इरेज ऑल डेटा पे क्लिक कर देना है, इरेज आपको ऑल डेटा हो चुका है, यहाँ पे कोई भी पासवर्ड हमें मांग शो नहीं हुए हैं, तो यहाँ पे इसका मतलब जो हमारा फ़ोन जो है प्रॉपरली हमारा बाईपास हो चुका है, एफ आर पी बाईपास। तो यहाँ पे अभी फ़ोन स्टार्ट होने तक वेट करते हैं। तो गाइस यहाँ पे फ़ोन जो हमारा हो चुका है सेटअप, यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करना है, एंड देन एग्री पे क्लिक करना है, एंड देन आपको आप कोई भी आपको इंटरनेट की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है तो इसे स्किप कर देंगे सेटअप ऑफलाइन पे क्लिक करके, एंड देन यहाँ पे आपको ना ही गूगल आईडी की ज़रूरत पड़ेगी ना ही वन प्लस की आईडी की। ठीक है, तो यहाँ पर हम करना है एक्सेप्ट क्लिक करना है, एंड देन आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमें जो है
स्किप पे क्लिक कर देना है, यहाँ पे स्किप स्किप करते जाना है आपको, अदरवाइज़ आपको काफ़ी टाइम लगेगा। अभी हम पूरा सेटअप नहीं कर रहे हैं, फिंगरप्रिंट एंड पासवर्ड वगैरह। तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, नेविगेशन स्टाइल, यहाँ पे डन पे करते हैं एंड देन स्टार्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको पढ़ लेना है अगर आपको इसको बाईपास करना है तो, एंड स्टार्ट पे क्लिक करना है। एंड देन आपका फोन जो है हो चुका है स्टार्ट, देख सकते हो आप पूरी तरह से। कोई भी आपको ना ही तो स्क्रीन लॉक पासवर्ड की ज़रूरत पड़ी हमें, ना ही गूगल के गूगल आईडी पासवर्ड की, और ना ही हमें वन प्लस आईडी पासवर्ड की ज़रूरत पड़ी। तो इसी तरह से आपको FRP बाईपास अनलॉक कर सकते हो अगर वन प्लस का फ़ोन है तो। अगर आप Xiaomi के फ़ोन में या फिर किसी और अदर कंपनी के फ़ोन में अगर ये FRP बाईपास देखना चाहते हो वीडियो, इस पर आपको चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा, मैं इस पर भी वीडियो बना दूंगा। सो हमारा जो फ़ोन है वो पूरी तरह से अनलॉक हो चुका है, देख सकते हो आप। एंड देन इसी तरह से आप अनलॉक कर सकते हो अपना भी कोई भी वन प्लस का फ़ोन। और ये है हमारा FRP बाईपास का सिस्टम, जो ट्रिक था पूरा हमने आपको वीडियो में बताया है। अगर आपको कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन है हमारे इस वीडियो के रिगार्डिंग, या फिर हमारे चैनल के किसी भी वीडियो के रिगार्डिंग आपको क्वेरी या क्वेश्चन है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो। ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, यहाँ पे आप मुझे DM कर सकते हो। और वीडियो पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस वीडियो पे नए हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।